भोजपुरी के संगीत कलाकार अखिलेश कश्यप हुए आग बबूला। कहा मेरे साथ कुछ भी होता है तो उसके जिम्मेदार होंगे पवन सिंह। खेसारी लाल यादव के लोगों को डराना धमकाना छोड़िए, अगर हम जिंदा बचे तो पूरा साम्राज्य खत्म कर देंगे। किसी खेसारी लाल यादव को लोगों को आप डरा धमका रहे हैं, किसी खेसारी लाल यादव को लोगों को आप डरा धमका रहे हैं। दादा शाही चला तक सबसे बड़ा चीज कि अगर हमारा संगे कुछ होता तो जिम्मेवार डायरेक्ट पवन भैया आप है। आप हमको मारिएगा तो जान से मार दीजिएगा, अगर हम जिंदा रहोगे तो आपका पूरा साम्राज्य खत्म कर देंगे। इनको घेर के मार दिए, विशाल ब्रो किंग, ऐसे किंग ना होखेला। खेसारी लाल यादव के कट्टर फैन महेश पांडे और पवन सिंह की टीम विशाल सिंह में हुई झड़प। खेसारी के कट्टर फैन महेश पांडे ने लाइव आकर पवन सिंह के लिए मांगी माफी। जिनके लिए तू गंदा बोलता है आज की बात तू बोलेगा नहीं बोलेगा? नहीं अच्छा, ये गलत तो मैं पवन सिंह जी के लिए आज की बात बोलूंगा नहीं, क्योंकि मैं सब अच्छा ही बनाऊंगा जो कहने का किया है। क्या खेसारी का फैन महेश पांडे पवन सिंह के लिए अब गलत वीडियो नहीं बनाएगा? क्या चाकू पिस्टल दिखाकर विशाल सिंह ने महेश पांडे से जबरन कराई तारीफ? एक बात तो मैं पूछना भूल गया था भाई से, भोजपुरी इंडस्ट्री का सलमान खान कौन है? सलमान खान कौन है? लेकिन भोजपुरी इंडस्ट्री के सलमान खान हमने गूगल में भी अभी सर्च किया था तो पवन सिंह जी ही आए थे, तो उस हिसाब से हम पवन सिंह जी को सलमान खान कहेंगे भोजपुरी इंडस्ट्री। तो आपके हिसाब से कौन है? हाँ, पवन सिंह जी ही हैं। बस बहुत अच्छा लगा आप लोग से बात करके, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। कि मौत को सामने देखकर कोई भी डर जाएगा, मैं बहुत ज्यादा डरा हुआ था, एक्सट्रीम लेवल का। वो लोग चाकू दिखा रहे थे, गर्दन पे चाकू लगा दिया था कि चाकू तुमको अभी मार दूंगा, जो हम कह रहे हैं वैसा करो। इतना स्क्रिप्टेड वीडियो बनाया है कि उसने मेरा टी शर्ट और बनियान तक उतरवा दिया था। झूठ मत बोल, मैं तुझे कल भी बोला समझाया कि देख ना, मेरी तेरी कोई दुश्मनी ना कुछ है, जो तू बोलता है एक्टर्स के लिए जो अपने दम पे बने हैं आज के डेट में जहां पर खड़े हैं उनको बोल के तो डिप्रेशन में लाता है, जो फालतू को मेंटली हरास करता है वो मत किया कर। इतना मत कर कि तू कोई वीडियो बना रहा है और घर से बाहर निकल रहा है तो तुझे डर है कि कोई तुझे पकड़ लेगा, कोई तुझे मारेगा। खुलेआम जिंदगी जी, अच्छी वीडियो बना, मैंने सिर्फ इसको यही समझा। कौन है सही और कौन है गलत? भोजपुर इंडस्ट्री में फैली है झंझट। खेसारी के कट्टर फैन महेश पांडे सही या फिर पवन सिंह की टीम विशाल सिंह है सही? खेसारी लाल यादव के कट्टर फैन और यूट्यूबर महेश पांडे, जो कि ज़्यादातर वीडियो खेसारी लाल यादव के पक्ष में बनाते हैं और अपने वीडियो में खेसारी की जमकर तारीफ भी करते हैं और पवन सिंह को गाली देते हैं, अब बात कुछ ऐसी हो जाती है कि पवन सिंह की बुराई करने वाले महेश पांडे अचानक इतने तारीफ क्यों करने लगते हैं? तो सुनिए आखिर क्या है मामला। भोजपुरी इंडस्ट्री में एक बार फिर बवाल मचा हुआ है। पवन सिंह की टीम के विशाल सिंह और खेसारी लाल यादव की तारीफ करने वाले यूट्यूबर महेश पांडे का वीडियो जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें विशाल सिंह महेश पांडे से पूछ रहे हैं कि भोजपुरी फिल्म का सुपरस्टार कौन है, भोजपुरी फिल्म का सलमान खान कौन है। जवाब में खेसारी के फैन महेश पांडे पवन सिंह का नाम लेते हैं और कहते हैं कि आज से मैं पवन सिंह के लिए पॉजिटिव वीडियो बनाऊँ। लेकिन महेश पांडे के द्वारा अब कुछ और कहा जा रहा है। उन्होंने कहा है कि मुझे चाकू और पिस्टल दिखाकर पवन सिंह की तारीफ मुझसे जबरन कराई गई, मुझे जाल में फंसाया गया, विशाल सिंह ने मुझे मारने आए थे, सबके पास पिस्टल था और चाकू था, मैं डरा डरा सहमा लग रहा था, मुझे डरा धमका कर महेश पांडे ने मुझसे जबरन पवन सिंह की तारीफ करवाई। जवाब में विशाल सिंह कहते हैं कि महेश पांडे जो भी बातें बोल रहा है वो सारी की सारी बातें झूठी है, वो झूठी बातें फैला रहा है, हम तो बस उसे समझाने गए थे। खेसारी लाल यादव के कट्टर फैन महेश पांडे और पवन सिंह की टीम विशाल सिंह विवाद को लेकर राइटर अखिलेश कश्यप विशाल सिंह और पवन सिंह पर जमकर बरसे और कहा कि किसी का नंगा वीडियो बनाकर ज़बरदस्ती पवन सिंह की तारीफ करवा कर ये कहां तक सही है, यही आपका धर्म है क्या? अखिलेश कश्यप आगे कहते हैं, उन्होंने कहा कि क्षत्रिय का यह धर्म कहीं से ये नहीं होता कि ब्राह्मण परिवार को ज़बरदस्ती पकड़ कर शराब पिलाइए और फिर वीडियो बनाइए। अखिलेश कश्यप ये कह रहे हैं कि मेरे साथ अगर कुछ ऐसा होता है तो अगर मुझे जान से मार दिया जाता है, अगर मुझे धमकी दी जाती है और कुछ भी होता है तो उसके ज़िम्मेदार सिर्फ़ और सिर्फ पवन सिंह ही होंगे। जी हाँ, अगर पवन सिंह और उनकी टीम यह सोचती है कि मेरे सर पर पिस्टल रख दे और ज़बरदस्ती कुछ बुलवाए तो सारा साम्राज्य मैं ख़त्म कर दूंगा, ये कहना है अखिलेश कश्यप का, जो कि संगीत कलाकार हैं। वो कहते हैं कि हम किसी से नहीं डरते, कानून का सहारा क्यों नहीं लेते हैं आप लोग? पवन सिंह की टीम को कानून हाथ में नहीं लेना चाहिए और किसी का अधिकार ये नहीं है, ये कहते हैं। वो आगे कहते हैं कि भोजपुरी में कुछ ऊंच नीच ना हो जाए जिससे कष्ट पहुंचे। खैर आगे पवन सिंह का इसको लेकर अभी कोई टिप्पणी नहीं आई है, पवन सिंह ने अभी कुछ नहीं कहा है इस वीडियो को लेकर। खैर आप क्या सोचते हैं इस वीडियो के बारे में, कमेंट में लिख कर ज़रूर जवाब दें कि आखिर कौन गलत है और कौन सही है।
अभी भी सच्चाई स्पष्ट नहीं हो पा रही है पूरे तरीके से, लेकिन आपको हमने बता दिया कि किस तरीके से भोजपुरी इंडस्ट्री में बवाल मचा हुआ। एक तरफ महेश पांडे की बात की जाए, दूसरी तरफ विशाल सिंह की बात की जाए, तो तीसरी तरफ अब अखिलेश कश्यप भी इसमें घिरते नजर आ रहे हैं वीडियो में। तो देखते रहिए, लगातार तमाम भोजपुरी की खबरों को देखने के लिए देखते रहिए महाखबर 24। लगातार हम बने हुए हैं, देखते रहिए बैक टू बैक।